तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निक पे एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स की। तो सबसे पहली बात है कि आपका जो डाटा है ना, वो हमेशा ख़तरे में रहता है, चाहे वो आप किसी भी साइट्स पे यूज़ कर रहे हो। तो ख़तरा ये है कि लेटेस्ट अपडेट है और एक बैड न्यूज़ है कि फेसबुक का डाटा 650 रुपये में और नेटफ्लिक्स का जो डाटा है वो 760 रुपये में डार्क वेब पे बिक रहा है। मतलब आपका हमारा जो भी है, अगर डाटा है तो वो सिक्योर नहीं है, वो डाटा कोई हैक करके और उसको बेच रहा है, प्राइस भी तय। एक्चुअली पिछले साल डाटा लीक्स की कई मामले आए और हालत ये था कि डाटा चोरी हो रहा है, तो उसमें फेसबुक पे भी ब्लेम लगा था, है ना। तो अब इस साल क्या है कि मतलब लेटेस्ट अपडेट यही है कि डाटा बिक रहा है। और हाँ, अमेज़ॉन का भी, जो अमेज़ॉन पे आपका हमारा जो भी जिस यूज़र का डाटा है, वो डाटा जो है वो 1360 रुपये में बिक रहा है। ब्रिटिश वेबसाइट द सन ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस टॉप 10 के जरिए ये पता किया है कि ये डाटा जो है ये डार्क वेब पे बिक रहा है और ये डाटा हैक हो चुका है और हैकर्स इसको डार्क वेब पे बेच रहे हैं। इस डाटा में यूज़र नेम, पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंक्लूडेड है। मतलब पूरे पैकेज को बेच रहे हैं। और वेबसाइट के द्वारा कहा गया है कि सबसे महंगा जो डाटा है वो ब्रिटिश एयरवेज का है। मतलब जो भी पैसेंजर हो उस पर चले तो उनका जो भी डाटा है वो सबसे महंगा डाटा है, 3,000 रुपये के करीब ऐसे कुछ है उसका डार्क वेब पे। हालात है कि इतनी बड़ी डाटा हैकिंग होती कैसे है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो यूज़र्स हैं, बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो अपने पासवर्ड को, अपनी बैंकिंग डिटेल्स को ऑनलाइन सेव करके रखते हैं। तो एक बार हैक हो गई तो आपकी सारी डिटेल्स गई। दूसरी एक खबर है कि पुलवामा की घटना के बाद, बहुत ही निंदनीय घटना इसको कहा जा सकता है और ये बहुत ही मतलब शर्मनाक है हमारे लिए, और क्या बोलें, गुस्सा अंदर भी है और बाहर भी है। और इस घटना के बाद एक जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो ये है कि गूगल पे टॉयलेट पेपर सर्च करने पे पाकिस्तान में झंडा आ रहा है। भैया ये हालात हो गई उनकी, लेकिन फिर भी मतलब हड़कने फड़कने से बाज नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली गूगल पे ऐसे ही पिछले दिनों काफ़ी घटनाएं हो चुकी है, जिसमें कि अगर आप EDF सर्च मार रहे हो तो ट्रंप की फ़ोटो आ रही थी, भिखारी सर्च मार रहे हो पड़ोसी मुल्क के जो हैं इमरान खान की फ़ोटो आ रही थी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से अभी जो है वो टॉयलेट पेपर सर्च मारने पे पाकिस्तान का झंडा आ रहा है। एक और बात है कि हो सकता है कि शायद इंडिया में टिकटॉक बैन हो जाए। टिकटॉक एक बड़ा म्यूजिकली ऐप है, म्यूजिकल ऐप है जिसपे आप 15 सेकेंड्स का वीडियो वगैरह डाल सकते हो। तो चलिए, ये ठीक है, कलाकारी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इट्स ओके यार, बट वल्गरिटी मत करो। और आजकल जो है टिकटॉक पे वो वल्गरिटी कई बाढ़ आ गई है। मतलब 15 सेकेंड का कुछ भी आप डाल दोगे ऐसे ही पब्लिक के सामने, नहीं। तो इस कारण से हो सकता है कि टिकटॉक बैन करे। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, आप कोई भी ऐप चलाओ, अच्छी है, अच्छी बात है, आपका कहना है कि लोग टैलेंट दिखाएंगे वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन यार कम से कम फिल्टर तो लगा दो कि हाँ। अब जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब ने फिल्टर लगा के रखा है कि ये कंटेंट, उसने कंटेंट को कैटेगराइज कर दिया है कि कुछ कंटेंट जो है वो 18+ के लिए है, कुछ कंटेंट जो है वो सर्विस ओपन टू ऑल है। तो चलिए, टिकटॉक भी एक ठीक है, अच्छी खासी एक सोशल ऐप है तो चल रही है, लेकिन एक्चुअली थोड़ी फिल्टर तो लगानी चाहिए, क्योंकि तो लोग जो है वो कुछ भी डाल देते हैं। तो इस कारण से हो सकता है कि भविष्य में इंडिया में बैन हो जाए टिकटॉक, और मज़े ले रहे हैं और वो मज़े ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात है कि अब पबजी वालों के लिए यह है कि अभी तक जो पबजी के बीटा वर्जन में जॉम्बी एडिशन था वो अब स्टेबल वर्जन में भी आ गया है, तो चुनौतियाँ बढ़ गई है और आप के मज़े भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ऐसी वीडियो हम फिर आपके सामने लाते रहेंगे।